हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी राजस्थान की एक फेमस डिश मक्की का ढोकला। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है। सर्दियों में इसे ख़ास तौर पे बनाया जाता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर दीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, इससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ एक मिक्सर डाल लिया है। अब हम इसमें 10 से 15 लहसुन की कलियाँ डाल देंगे और 3 हरी मिर्च डाल देंगे। अब हम एक छोटी कटी हुई प्याज डाल देंगे, 1 इंच के बराबर अदरक डाल देंगे। अब हम इन सबको दरदरा पीस लेंगे। हमने इसे दरदरा पीस के एक कटोरी में निकाल लिया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हमने यहाँ एक बाउल लिया है। अब हम इसमें 2 कटोरी मक्के का आटा डाल देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके डाल देंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। आधा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। आधा चम्मच खड़ा जीरा डाल देंगे। आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे। अब हम इसमें दरदरा पिसा हुआ प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्च को डाल देंगे। अब हम इसमें मेथी के पत्तों को बारीक काट के डाल देंगे। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरे प्याज का पत्ता डाल देंगे। बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे। अब हम इसमें दरदरा पीसा हुआ हरा मटर डाल देंगे। एक कटोरी दही डाल देंगे जिससे हमारे ढोकले सॉफ्ट बनेंगे। 1 चम्मच नमक डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब हमने यहाँ 1 चम्मच दही लिया है, इसमें 1/2 चम्मच मीठा सोडा डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढोकले के मिक्सचर में डाल देंगे। अब हम इसका एक टाइट डो बना लेंगे। अगर आपको ज़रूरत लगे तो इसमें हल्का सा पानी भी डाल सकते हैं, अगर नहीं लगे तो इसे ऐसे ही गूंथ सकते हैं। ढोकले का डो हमारा बन गया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने इडली का स्टीमर गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें लगभग 2 गिलास के बराबर पानी डाल देंगे। अब हमने यहाँ इडली का स्टैंड लिया है, इसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब हम इसे रख देंगे और ढक्कन से ढक देंगे ताकि इसके अंदर स्टीम बन जाए। अब हम ढोकला बनाएंगे। ढोकला बनाने के लिए हमने यहाँ मीडियम साइज की लोई के बराबर आटा लिया है। इसे हम पहले गोल बना लेंगे और इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे और बीच में होल कर देंगे।
आप देख सकते हैं हमारा ढोकला बन गया है। इसी तरह हम सारे ढोकले बना के तैयार कर लेंगे। हमने सारे ढोकले बना के तैयार कर लिए हैं, तो चलिए अब हम इसे स्टीम कर लेते हैं। अब हम इसमें एक एक करके ढोकले को रख देंगे। यहाँ हमने गैस का फ्लेम लो रखा है, लो फ्लेम में ही हम इसे 30 से 35 मिनट तक पकाएंगे। तीस मिनट हो चुके हैं, तो चलिए नाइफ की हेल्प से चेक करते हैं कि हमारा ढोकला पक गया है कि नहीं। नाइफ हमारी बिल्कुल क्लीन निकली है, इसका मतलब हमारा ढोकला पक चुका है। अगर नाइफ क्लीन नहीं निकलती है, उसमें आटा चिपका हुआ निकलता है, तो ढोकले को और पकाने की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ हमारा ढोकला चुका है, तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ढोकले को हमने प्लेट में सर्व कर लिया है। अब हम इसमें देसी घी डाल देंगे। आप इसमें तिल का तेल भी डाल सकते हैं। अब हम धनिया के पत्ते से गार्निश कर देंगे। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप इसे ट्राई करिएगा और अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स पर लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।